झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक 75 वर्षीय महिला बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। घटना शालीमार चौराहे की है, जहां पर प्लॉट नंबर 76 में एक लोहे की टीन बनाने की फैक्ट्री है। महिला का शव लहूलुहान पड़े होने की इतला मिली। मिलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही झोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की हत्या का संदेह होने के पता चलते ही मौके पर FSL की टीम को भी बुलाया गया। ACP हरिशंकर शर्मा ने बताया कि मृतका निर्मला फैक्ट्री की मालकिन है, जो अकेले ही फैक्ट्री में रहती थी। फैक्ट्री में बने कमरे में उसका शव मिला। महिला के सिर पर चोट का निशान है। पुलिस की ओर से कहा गया कि मौके पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले और न ही लूट के इरादे से हत्या की बात सामने आई है। पुलिस फैक्ट्री के कर्मचारियों के थाने में लाकर पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महिला की मौत के कारणों का पता लगा रही है। और क्या कुछ मिला है? सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में, और इस सूचना पर आगे अभी हमने देखा है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मामला है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया क्या हुआ? अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी जब तक पोस्टमार्टम से पता नहीं लगेगा कि चोटें किस तरह की हैं, क्या है, सारे वो रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि मामला क्या। बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी यहाँ पे? हाँ, अकेली रहती। क्या नाम था सर? क्या करती थी? निर्मला देवी। निर्मला देवी क्या करती थी यहाँ? कितनी एज है उनकी? एज है 75 के आसपास एज है, और यही फैक्ट्री में ही अंदर मकान बना हुआ, इस मकान में रहती। तो यहाँ मजदूर भी काम करते थे? दिन में करते थे, रात में तो कोई करता नहीं था। अकेली रहती थी रात को? रात में। तो कुछ सामान बिखरा हुआ लगा है, संघर्ष के कुछ निशान मिले हैं? नहीं, संघर्ष का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है, न कोई सामान गया है। सामान किसी प्रकार का कोई चोरी नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। परिजनों ने किसी पे शक जताया? नहीं, कोई शक नहीं जताया।